We'll discuss about genetic code. Now, what is genetic code? Now, if it is DNA, it has two strands. One is five prime to three prime, and second is three prime to five prime. And one of the strand is called as DNA template, antisense or negative strand. Like this, we can see here, uh, this green color strand which is running from three prime to five prime direction. This is acting as a DNA template strand this will help in formation of rna by a process called as transcription so transcription is formation of rna so rna transcript is produced now this is the rna now which will be complementary to this green strand 5 prime to 3 prime direction here it is 3 prime now this will be 5 prime here it is 5 prime now this will be 3 prime now we can see here the, these are nitrogenous bases present in the genetic code CCC, ACA, AUG, it can be any sequence. And correspondingly, this is going to form protein. So next is process of translation. What is translation? Formation of polypeptide chain. So this CCCC, this will form amino acid proline. ACA will form threonine. AUG will form methionine. GUU will form valine. GGA will form glycine, GAG will form glutamine, AUG will form methionine, ACA threonine, CCG proline, AGA arginine. So it can be any codons, it can be any sequence. So this is called as polypeptide chain, which is formed by a peptide bond. Each amino acid, one amino acid is linked with another amino acid by a bond. This is called as peptide bond, and this chain is called as पॉलीपेप्टेंज सो वॉट एवर सिक्वेंस इज प्रेजेंट इन दिस ट्रैंड ऑफ टी एन ए दैट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड कॉरस्पोंडिंगली आर एन ए इज़ प्रोड्यूस्ड एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड सो वी कैन डिफाइन जेनेटिक कोड द रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्ट एंड न्यूक्लियोटाइड और नाइट्रोजनस स्पेस सीक्वेंस ऑफ टी एन ए और मैसेंजर आर एन एज कॉल्ड एस जेनेटिक कोड मीन जो भी सीक्वेंस इस टी एन ए में है वही आगे आर एन ए में आ रहा है उसी से आगे प्रोटीन बन रहा है तो ये पूरा कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस है एंड ये जो रिलेशनशिप है कि डी एन ए में जो भी मैसेज है दैट इज बी कैरिड बाई मैसेंजर आर एन ए देट इज़ बीग कोडेड इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन जो प्रोटीन बना रहा है दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड नो इफ इी एन ए और आर एन ए बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस तो दो तरह के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं प्योरस एंड पिरामिटीन हैं एडनीन एंड गुआनिन पिरामिडीन है साइटोसिन एंड थायमिन सो साइटोसिन एंड थायमिन दीज आर पिरामिडीन और आरएनए में राइबोस न्यूक्लिक डीएनए इज़ डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड आर एन इज़ राइबोस न्यूक्लिक एसिड तो आरएनए में क्या है थायमिन नहीं होती उसमें क्या प्रेजेंट है यूरेसिल होगा सो यूरेसिल इज रिप्लेस बाय थायमिन इन केस ऑफ आरएनए सो दीज आर द नाइट्रोजनस स्पेसिस विच आर फॉर्मिंग डीएनए एंड आरएनए और टोटल जो अमानो एसिड्स हैं उनका नंबर है ट्वेंटी सो so, हमने कहा कि चार नाइट्रोजनस बेसिस हैं और अमायनो एसिड्स हैं ट्वेंटी अगर हमें एक जैसे मान लीजिए एडनिन से एक अमीनो एसिड बने थायमिन से एक बने ग्वानिन से एक बने, बने साइटोसिन से एक बने तो टोटल कितने अमीनो एसिड बनेंगे चार सिंगलेट कोड इसको बोलेंगे हम सिंगलेट कोड पर हमारे पास तो ट्वेंटी अमीनो एसिड्स हैं तो वो चारों से कैसे बनेंगे फिर मान लीजिए दो का कॉम्बिनेशन मान लीजिए जैसे ए टी या सी जी या जी सी या टी ए या सी यू जो कोई भी जैसे दो का कॉम्बिनेशन है तो हम इसको बोलेंगे डबलेट कोड तो ऐसे में कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे फोर इज टू फोर सिक्सटीन अमीनो एसिड्स लेकिन फिर ट्वेंटी अमीनो एसिड्स हमारे पास दैट मीन इट इज़ नॉट द डबलेट इट इज़ द ट्रिपलेट मीन तीन मिलके मान लीजिए ये ए टी सी है या सी सी जी है या जी जी सी है तो तीन का जो कॉम्बिनेशन है दैट है फॉर्म द अमेनो एसिड सो ट्रिपलेट कोड कैन फॉर्म सिक्सटी फोर अमेनो एसिड तो सफिशियंट है हमारे पास ट्वेंटी अमेनो एसिड है सो so, तीन नाइट्रोजन स्पेसिस मिल के बनाएंगे एक अमीनो एसिड राइट सो इसको हम जेन हमने कहा कि जेनेटिक कोड क्या है जो डीएनए में सीक्वेंस है वही मैसेंजर संजर में आएगा वही कॉरेस्पॉन्डिंगली पॉलीपेप्टाइड चेन में आएगा तो टोटल हमने देखा कि कितने कोडॉन हैं है हमारे पास हम कैसे बना सकते हैं कि हम क्या करेंगे एक तरफ लेंगे यू सी ए मैं एक नीचे करके आपको दिखाती हूँ यू सी ए एंड जी इधर भी हम लिख लेंगे यू सी ए एंड जी और यहाँ पर हम लिख लेंगे यू यहाँ पर यू सी ए जी यू सी ए जी तो हमने क्या करना है अब यू को यू के साथ यू 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 और ये यू के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा यू, यू 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 राइट तो ऐसे करके हमने पूरा जेनेटिक कोड बना सकते हैं याद करने की ज़रूरत नहीं है सिंपली हम बना सकते हैं जैसे हमने क्या किया हमने यहाँ से यू यू, यू 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 ये हमने लिया ठीक है और इसको हमने इसके साथ लिया वन मिनट डॉट डॉट वन हमने क्या किया हमने यू इसको किया इसके साथ मल्टीप्लाई फिर इसको किया इसके साथ मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हमारे पास आ गया यू, यू 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 ठीक है फिर हमने नेक्स्ट क्या किया यू यू को नेक्स्ट सी के साथ यहाँ पे आ जाएगा यू यू सी फिर हमने नेक्स्ट क्या किया यू यू ए के साथ तुम्हारे तो हमारे पास आ जाएगा यू यू ए तो यहाँ पर हमने देखा यू यू ए है ठीक है अब नेक्स्ट हमने क्या किया यू यू नेक्स्ट इज जी तो यहाँ पे आ जाएगा यू यू छी ऐसे करके पूरे हम ऐसे कोडॉन बना लेंगे तो टोटल जो कोडॉन आ रहे हैं वो आ रहे हैं सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर कोडॉन्स तो ये तीन का जो कॉम्बिनेशन है नाइट्रोजन स्पेसिस का ऐसे करके फर्स्ट बेस सेकेंड बेस एंड ये थर्ड बेस जो है ऐसे करके हमने पूरा चार्ट बना लेना है तो इनको बोलते है सिक्सटी ट्रिपलेट कोडॉन्स तो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं ट्वेंटी अमाइनो एसिड जिसमें से एक है इनिशिएटिंग अमाइनो एसिड ए यू जी विच विल फॉर्म UGG एंड यू जी जी विच विल फॉर्म ट्रिप्टोफैन दिस विल फॉर्म ट्रिप्टोफैन अब दे, आप देखिए कि एक ए यू जी जो है एक ही है जो मिथायोनिन बना रहा है और कोई नहीं बना रहा methionine मिथायोनिन और फिर हम देखते हैं कहाँ पर है यू जी जी ये वाला वो भी एक ही है मतलब ये सिंगल अमीनो एसिड इनसे बनता है ज़्यादा नहीं बनते हैं तो ए यू जी विल फॉर्म मिथायोनिन एंड यू जी जी विल फॉर्म ट्रिप्टोफैन तो बाकी हम देखेंगे अभी इनको डिटेल में स्टडी करते हैं कि कैसे कैसे बनता है ठीक है अब हम करेंगे इसके करेक्ट्रिस्टिक्स करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड अब हमने देखा कि तीन का कॉम्बिनेशन है जो अमाइनो एसिड बनाएगा तो यहाँ पर ये मैंने वही मैसेंजर संजय राराण ने ट्रांसक्रिप्ट बना दिए है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है जी सी सी ठीक है तो यहाँ से बन गया एलानी जी ए ए ग्लूटामिन तो कोई भी सीक्वेंस हो सकता है यू यू सी 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 जी 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 सी यू ए सी कोई भी सीक्वेंस हो सकता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली उसमें क्या बन जाएगा अमीनो एसिड तो कोडॉन जो है तीन नाइट्रोजन स्पेसिस जो है मिलके वो अमाइनो एसिड बनाते हैं क्योंकि तीन बना रहे हैं हम इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कोड तो पहला करेक्ट्रिस्टिक फीचर क्या है ट्रिपलेट कोड मैं तीन मिलकर अमीनो एसिड बनाएंगे अब जब हमने कहा था कि आर बनता है फिर उसके बाद प्रोटीन बनता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन आर फॉर्मेशन को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और जो प्रोटीन फॉर्मेशन उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन जब भी ट्रां जो अमीनो एसिड जैसे मिसंजर मैसेंजर एन ए तो यहाँ से प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट होना है तो यहाँ पर होगा एस जिससे क्या बनता है मिथायोनिन तो जो शुरुआत होती है या इनिशिएशन होता है वो एू जी से होता है इनको हम बोलते हैं इनिशिएटिंग कोडॉन एनदर कोडाउन विच कैन हेल्प इन इनिशिएटिंग इज़ ये जे यू जी जिससे वैलिन बनता है तो इसको हम बोलते हैं मिथायन इन कोडाउन इसको हम बोलते हैं वैलिन कोडाउन तो स्टार्ट सिग्नल में जब प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो उसके लिए स्टार्ट सिग्नल चाहिए जो उसको स्टार्ट कर सके अब ये हमारे पास है ये हमारे पास है मैसेजर आरन ठीक है यहाँ से बन रहा है प्रोटीन इसकी कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पर प्रोटीन बन रहा है अब यहाँ पर अगर प्रोटीन सेंसेस स्टॉप होना है तो यहाँ पर आ जाएगा यू ए जी अब यू ए जी कोई भी अम्यूनो एसिड नहीं बनाता है इससे क्या होगा कि कोई भी ट्रांसफर आर्य ने यहाँ पर अम्यूनो एसिड नहीं लेके आएगा तो प्रोटीन सेंसिस यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी स्टॉप ऑफ द प्रोटीन सेंसिस तो हम ये इसका यू ए जी को क्या बोलते हैं स्टॉप सिग्नल मीन ये प्रोटीन सेंसिस ख़त्म करने में या बन, आ, मतलब उसको टर्मिनेशन में करने में हेल्प करता है क्योंकि तो इससे कोई अमीनो एसिड नहीं बनता है तो इनको हम नॉनसेंस सेंस कोडॉन भी बोल देते हैं तो इसको स्टॉप कोडॉन भी बोलते हैं इनको नॉनसेंस सेंस को डॉन भी बोलते हैं तो हमारे पास जो टर्मिनेशन कोडॉन या नॉनसेंस सेंस कोडॉन या स्टॉप सिग्नल जो है तीन हैं यू ए ए जी एंड यू जी ए जो कोई भी अमीनो एसिड नहीं बनाते हैं इनको हम बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन्स राइट अब नेक्स्ट है कि ये जो कोडॉन है अगर हम देखें मान लीजिए एक छोटा सा पौधा है या एनिमल है या कोई वायरस है या ह्यूमन बींग्स हम बड़े बड़े जो ह्यूमन बींग्स हैं या बड़े बड़े हॉर्सेज हैं या और बड़े बड़े एनिमल्स हैं या छोटे छोटे एनिमल्स हैं या इक्वैटिक प्लांट्स हैं सो ये जो जेनेटिक कोड का इंफॉर्मेशन है या जो भी इसका यूनिवर्सल पैटर्न है दैट इज़ फाउंड इन ऑल द लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ कुछ एक्सेप्शन हैं लेकिन अदरवाइज दिस इज़ फाउंड इन ऑल द लिविंग बींग्स अब हमेशा जब भी हमने कोडॉन को पढ़ना है हमेशा हम कैसे पढ़ेंगे फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो इसका जो सीक्वेंस हमने रीड करना है दैट इज़ ऑलवेज फ्रॉम फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन स्विट्स पुलैरिटीज़ फ्रॉम फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन अब कोई कॉमा नहीं है जी सी सी ए सी जी जी सी ए सी सी जी कोई भी जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एसिड बनेगा यहाँ से भी बनेगा यहाँ से भी बनेगा तो ऐसा नहीं है कि ये अमीनो एसिड बना तो कोई रुकावट आ गई यहाँ पर कोई कॉमा आ गया कॉमा नहीं आएगा क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस है जेनेटिक कोड क्या है कॉन्टीन्यूस है कोई पॉजिज नहीं है मान लीजिए यहाँ से अगर हम कहें कि ये निकल गया ये सी सी निकल गया यहाँ से ठीक है तो अब क्या होगा ये निकल गया यहाँ से अब इसको हम कैसे रीड करेंगे जी सी सी ए जी जे सी ए सी और सी जी आगे वाला ये वाला इधर आ जाएगा ठीक है तो पॉज कोई नहीं आएगा वो कॉन्टीन्यूस रहेगा अगर एक न्यूक्लोटाइड निकल गया है तो उसके अकॉर्डिंगली उसका सीक्वेंस रीड किया जाएगा तो ये लीनियर सीक्वेंस में ही रीड किया जाएगा या मान लीजिए यहाँ पर एक यहाँ पर एक और आ गया है यहाँ पर जी आ गया यहाँ पर फिर एक और आ गया सी आ गया तो हम इसको हम कैसे रीड करेंगे जी सी सी ए जी जी और सी जी ए सी सी ऐसे करके तो एडिशन हो रहा है या डिलीशन हो रहा है जो कोड है वो कॉन्टीन्यूस रहेगा दैट इज़ कॉमालेस कोई ओवरलैपिंग नहीं है ऐसा नहीं है जीसीसी सी से एक अमीनो एसिड बना तो अगला जो अमीनो एसिड है सी ए जी सी ए सी से बनेगा या अगला अमीनो एसिड ए सी जी बन से बनेगा या अगला अमीनो जी जी सी से बनेगा या अगला अमीनो एसिड जो है वो ए सी सी से बनेगा तो कोई या सी जी जी से बनेगा ऐसा नहीं है कोई ओवरलैपिंग नहीं है हर एक जो ट्रिपलेट कोडॉन है वो एक अमाइनो एसिड बनाएगा फिर बिना कॉमा बिना पॉज लिए अगला जो कोडॉन है मीन ट्रिपलेट कोडॉन है वो अगला अम्युनो एसिड बनाएगा कोई ओवरलैपिंग नहीं है कोई कॉमा नहीं है कोई पॉज नहीं है और जो भी सीक्वेंस इसमें है जो भी सीक्वेंस इसमें है मैसेंजर आरण्य में वही किस में जाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन तो जो यहाँ पर फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में सीक्वेंस है वही आगे किस में जाएगा पॉलीपेप्टाइड चेन में तो पूरा लीनियर अरेंजमेंट है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर और इसको हम बोलते हैं को लीनियरटी मीन दे आर को लीनियर विद अदर जो सिक्वेंस मिसेंजर आरआने में है वही किस में होगा वही पॉलीपेप्टाइड चेन में होगा अब एक टुकड़ा जो डी एन ए का ये डी एन ए का टुकड़ा है मान लीजिए ये फंक्शनल है ये इससे हम हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है इसको हम जेन या सिस्ट्रॉन भी बोल सकते हैं ठीक है तो यहाँ से हमारे पास एक पर्टिकुलर इससे पॉलीपेप्टाइड पहले आर एन ए बनेगा फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी ठीक है तो ये जो है सिस्ट्रॉन में जो भी इंफॉर्मेशन है दैट इज़ बीइंग पास टू दसेंजर आर एन ए इट इज़ बीइंग पास टू द पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन फॉर्मेशन तो इसको हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन पॉलीपेप्टाइड पैराटीन वो डी एन ए का पोर्शन जिसको हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं दैट विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन विच इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू द सिक्वेंस प्रेजेंट इन द डीएनए सो दिस इज कॉल्ड ए सिस्ट्रॉन पॉलीपेप्टाइड पैरिटी अब नेक्स्ट हमने ये देख ही लिया है कि जेनेटिक कोड क्या होता है हमने कहा बोला कि सिक्सटी फोर ट्रिपलेट कोडॉन है ट्वेंटी अमीनो एसिड है और ये दोनों इनिशिएटिंग कोडॉन्स हैं और एक ये जो है ना हमारे पास तीन जो हम जिनको हम स्टॉप सिग्नल बोलते हैं यू ए ए यू ए जी या यू जी ए तो हमारे पास तीन हैं यू UAG ए जी एंड यू जी ए तो इनके और भी नाम हैं जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यू ए को हम क्या बोलते हैं ओकर और यू ए जी को हम क्या बोलते हैं एम्बर और यू जी ए को हम क्या बोलेंगे ओपल राइट तो ये जो है स्टॉप सिग्नल्स हैं या नॉन कोडॉन्स हैं तो इनके और भी नाम हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं नेक्स्ट जो है वॉट इज़ टीच एंड ऑफ जेनेटिक कोड अब हमने देखा हमारे पास कितने क्रोड हैं सिक्सटी फोर अमाइनो एसिड कितने हैं ट्वेंटी जिनमें से थ्री कोडॉन्स जो अभी हमने डिस्कस किया वो क्या कर रहे हैं वो स्टॉप कर रहे हैं ओकर एम्बर एंड ओपल तो ये जो है टर्मिनेशन करने में या प्रोटीन फॉर्मेशन को स्टॉप करने में हेल्प करते हैं तो टोटल सिक्सटी फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू सिक्सटी वन कोडॉन हो गए तो ट्वेंटी अमाइनो एसिड बनाएंगे ठीक है लेकिन अब ट्वेंट अमीनो एसिड ट्वेंटी है दैट मीन कि एक से ज़्यादा कोडॉन एक तरह का अमीनो एसिड बना सकते हैं तो इस प्रोसेस को दैट इज़ द फिनिना ऑफ हैविंग मोर दैन वन कोडॉन फॉर एन अमीनो एसिड दिस इज कॉल्ड एज कोड डी सो मल्टीपल कोडॉन कैन फॉर्म द सेम अमीनो एसिड जो जो कोडॉन्स हैं उनको लिए वर्ड हम यूज करेंगे डी कोडॉन्स जो कोडॉन सेम अमीनो एसिड बना रहे हैं चार या छः मिल के बना रहे हैं उनको बोलेंगे कोडॉन सिर्फ ट्रिप्टोफैन में था जैसे हमने डिस्कस किया था उनको सिर्फ एक एक कोडॉन बनाता है बाकी सब जैसे हम अगर ये देखें मान लीजिए हमारे पास ये है ए यू जी ए जी सी यू सी यू यू सी सी यू सी ए, -ए सी जी तो ये सारे छः कोडॉन क्या बना रहे हैं सीरीन मतलब एक अमीनो एसिड सीरीन कितने कोडॉन से बन सकता है सिक्स कोडॉन से बन सकता है इधर हमारे पास है जी 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 यू -जी -जी, जी जी सी जी जी ए जी 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 तो ये है क्लाइसिन जो चार कोडॉन से बन रहा है ठीक है तो अगर हम फिर से जेनेटिक कोड देखें तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे चार कोडॉन क्या बना रहे हैं ल्यूसिन ये तीन कोडॉन क्या बना रहे हैं आइसो ये चार कोडॉन क्या बना रहे हैं वैलिन और जैसे हमने डिस्कस किया कि सीरिन जो है वो छः कोडॉन से बन रहा है यहाँ पे चार दिख रहे हैं तो दो हमने अभी वहाँ दिखाए थे कि अभी आ जाए ये वाले ये वाले ठीक है चार से प्रोलिन बन रहा है चार से थ्रियोनिन बन रहा है यहाँ से एलानिन बन रहा है टायरोसिन दो से यहाँ पर ये यह स्टॉप सिग्नल आ गए यहाँ से हिस्टिडीन बन रहा है ठीक है ग्लूटामिन बन रहा है एस्पैराजिन लाइसिन एस्पार्टिक एसिड ग्लुटामिन आर्जिनिन देन सीरेन आर्जिनिन आरेण, आर्जिनिन भी देखिए आर्जिनिन यहाँ से भी बन रहा है ठीक है क्लियर ये दो वाले भी बना रहे हैं और ये चार भी हैं छः छः कोडॉन एक ही अमीनो एसिड बना रहे हैं आर्जिनिन और यहाँ से ग्लाइसिन बन रहा है तो एक कोडॉन जो है एक से ज़्यादा कोडॉन सेम अमीनो एसिड बना सकते हैं और एक चीज़ हम और नोट करेंगे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है सी यू यू एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम सी यू यू सी यू सी सी यू ए एंड सी यू जी पहले दो तो बेसिस सेम है सिर्फ तीसरा जो है वो वेरी कर रहा है ठीक है तो इन ऐसे कोडॉन जो सेम अमीनो एसिड बनाते हैं हम बोलते हैं डी कोडॉन अगर सिर्फ थर्ड सिर्फ बेस वेरी कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे थर्ड बेस डी तो अब हम ये स्टडी करेंगे कि व्हाट इज थर्ड बेस डी सो डी ऑफ जेनेटिक कोड हमने पढ़ ही लिया डी कोडॉन क्या होते हैं ये भी हमें पता चल गया अब थर्ड बेस डी अब थर्ड बेस्ट डिजेनरेसी दो तरह की होती है वन इज पार्शियल एंड सेकेंड इज कंप्लीट अगर तीसरा बेस जो है वो चाहे वो प्योर से हैं या पिरामिडीन से हैं मतलब इधर विल बी दैट विल बी फ्रॉम पिरामिडीन और दैट विल बी फ्रॉम द प्योरिन प्योरिन होते हैं एडनिन एंड गुआनिन पिरामिडीन होते हैं साइटोसिन एंड थायमिन ठीक है तो या फिर वो चारों में से कोई भी है थर्ड बेस कैन बी एनी ऑफ द फोर्थ चाहे वो प्योरिन है चाहे वो पिरामिडीन है हम बोलेंगे कम्प्लीट थर्ड बेस टीचर रे सी तो हमने यहाँ पर देखा कि ये कम्प्लीट है यहाँ पर हम देख लो यू सी ए जी ये वेरी कर रहा है पहले दो सीम है ल्यूसिन बना रहा है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था सो दिस इज कंप्लीट थर्ड बेस टीचन रेसी यहाँ पर हम देख रहे हैं जी पहले दोनों सेम है जी यू जी यू ये वेरी कर रहे हैं ठीक है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे थर्ड बेस टीचन रेसी ये प्यूरिन भी है ब्रामिटीन भी है तो ये भी हम कंप्लीट बोलते हैं वेलिन बना रहे हैं ये ठीक है अब यहाँ पर हम देखेंगे अलग है यहाँ पर है प्योरीन सिर्फ ए एंड जी पहले दो बेसिस सेम है थर्ड बेसिस फ्रॉम द प्यूरन तो ये बना रहे हैं ल्यूसिन तो है इसको बोलेंगे पार्शियल तो यहाँ पर दोनों बेसिस सेम है थर्ड बेस डिफरेंट है ये बना रहे हैं फिनाइल एलानीन तो ये हम एब्रीवेशन लिखते हैं पी एच ई एल ए यू है ना ये एब्रीवेशन है इसको हम पढ़ेंगे फिनाइल एलानिन इसको हम पढ़ेंगे ल्यूसिन तो थर्ड बेस टीचन जो है वो प्योरिन से भी हो सकती है पिरामिडिन में से भी हो सकती है चारों में से कोई हो सकता है तो उसके बेसिस पे हम कंप्लीट और पार्शियल बोलते हैं और ये थर्ड बेस टीचनरेसी के ऊपर ही एक हाइपोथिस प्रपोज हुआ है वॉबल हाइपोथिस जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सो दीज आर द करेक्ट्रिस्टिक फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड दैट इज कोड इज़ ट्रिपलेट कोड इज स्टार्ट सिग्नल्स आर मिथायलिन एंड वैली स्टॉप सिग्नल्स हैं फिर ये यूनिवर्सली है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में है अगर इसको हमें रीड करना है तो हमेशा हम रीड करेंगे फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में पोलैरिटी कोई कॉमा नहीं है कोई पॉज नहीं है ओवरलैपिंग नहीं है टीचे एंड डी जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि एक से ज़्यादा जो कोडॉन है वो अमीनो एसिड बना सकते हैं सेम अमीनो एसिड सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड एंड वॉट इज जेनेटिक कोड भी आपको क्लियर हो गया होगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब